तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ काला डुंगिया, और चलिए देखते हैं, यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क है तो इसके बारे में ही देखते हैं आप क्या होता है। तो जैसे ही आप आओगे तो पहले आपको यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी, आप आओगे तो पहले आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। और इंडियन के लिए तो 10 रुपए चार्ज करते हैं, फॉरेन के लिए 50 रुपीज चार्ज करते हैं, और अगर कोई स्कूल ट्रिप आता है उसके लिए ₹3 चार्ज होता है बस। तो ये है यहाँ पर जिम, जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, इनका पूरा नाम था जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। तो चलिए इनके अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पे इनका ये पीछे में देख रहे हो आप, ये पूरा घर बनाया हुआ है इनका, और इसी में द टाइगर इज अ लार्ज। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक नई चीज, पहले ये देखिए, इसे देख रहे हो ना, उन्होंने लिखा था जिम कॉर्बेट बोलते थे कि द टाइगर इज अ लार्ज हार्टेड जेंटलमैन, तो ये उन्होंने बोला था। तो चलिए अंदर ही चलते हैं। तो यह है पूरा म्यूजियम, इधर यह है पूरा म्यूजियम, और म्यूजियम में ये जिम कॉर्बेट, ये ना आदमखोरों के संहारक। भाई जब भी आप आओ ना तो पक्का आना इधर, बिल्कुल सही जगह है ये, देखो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल सब मामला। और ये कुछ उनके फोटोज वगैरह लगे हुए हैं इधर, ये दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा कि नैनीताल में काला डूंगी में पले बड़े जिम कॉर्बेट ने एक जंगल में एक घर के सम। अरे ये देखो क्या लिख रहा है, ये खुद ही आप पढ़ सकते हो। और फिर बिजली बिजली लगाओ यार। और ये था उनका, ये क्या हथियार था उनका, ये देखो, ये देखो, ये उनके बर्तन वगैरह, और ये चेयर थी उनकी, चेयर यहाँ पे बैठते थे वो, और जब जिम जवान थे ना तो ऐसे दिखते थे इधर इनके जैसे। और ये उनके बर्तन, इनमें खाना वाना खाते थे वो। और आइए इधर चलते हैं, ये पूरा उनका लाइफस्टाइल। पहले ऐसी, ये जो इधर आप देख रहे हो ना, पहले ऐसी वो होती थी लाइट जलाने के लिए रात में, ये इससे जलती थी लाइट, डिबिया बोलते हैं इसको। तो जीती जागती कहानी जंगल में, इतनी सारी बुक्स उनके द्वारा लिखी गई हैं। और तो ये वाली जो चेयर, ये मेज देख रहे हो आप, ये जिम कॉर्बेट की है। और इधर सारा सामान जिम कॉर्बेट द्वारा निर्मित, हस्तकला का परिचय, ये देखिए। और उस टाइम का पंखा, जिम कॉर्बेट का पंखा था ये, उस टाइम पंखा चलता था। आओ तो यहां से हम निकलते हैं, दूसरी जगह एंटर करते हैं। और ये जगह कौन सी है, मैनिटस ऑफ कुमा, ये पूरा यहाँ का, हम यहाँ पे हैं, यहाँ काला डूंगी में, काला डूंगी के अंदर हैं हम अभी। और ये एक और, बहुत सारे फोटोज उनके लगे हुए हैं इधर, ये देखो, ये भी मार गिराया, ये भी मार गिराया, ये भी इसकी खाल उतार ली। और ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, कौन, ये जो गुलदार मरा पड़ा ना, ये पहले खाता था सबको। और ये गन रैक, यहाँ पे उनकी बंदूकें वगैरह रखी जाती थी, ये देख रहे हो ना, ये सारी जगह यहाँ पे उनकी बंदूक वगैरह रखी जाती थी, मतलब खतरनाक शिकारी आदमी थे वो। बंद कर देता हूँ, कभी टूट टाट देना ये, आ जाओ जी। ये लाइटें अभी काम नहीं कर रही है, वरना आपको दिखा, एक बार ट्राई कर लेता हूँ, जल रही है। नहीं, तो ये रही उनकी कुर्सी मेज सब कुछ इधर ही। तो बस ये घर था उनका, तो बस ये घर था उनका। और रामनगर से ये आगे आता है और हल्द्वानी से पीछे पड़ता है इधर। तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद ही होगा जो होगा।